2024 রাইজিং ভারতৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ রাইজিং ভারত সন্মিলন 2024ত ভাগ লৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আৰু এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱেও। মন্ত্ৰী জী বহুত বহুত স্বাগত হে আপকা। দৰ্শকো কো বছ বতা দু মই কি আপ 39ৱে ৰেল মন্ত্ৰী হে, 55ৱে সঞ্চাৰ মন্ত্ৰী হে और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री हैं। बहुत भार है कंधे पर आपके। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना एक एक पल एक एक क्षण देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को लग जाना चाहिए, पूरी तरह से जुट ही जाना चाहिए। अश्विनी जी, जब 2047 की हम बात करते हैं, हम उस भारत की बात करते हैं जो विकसित हो चुका है, तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक रेल मंत्री अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है? उस वक्त की ट्रेन हिंदुस्तान की जनता कैसे देख सकती है? देखिए, आज मोदी जी के 10 वर्ष के इस पीरियड में एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी बनी है। आज मोदी जी की 10 वर्ष की लेगेसी और 25 वर्ष का प्लान, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट, जनता के सामने, भारत की जनता के सामने एक स्पष्ट मैसेज है। इस 10 वर्ष की लेगेसी में आप देखो, रेलवे में प्रैक्टिकली करीब करीब बहुत सारे राज्य 100% इलेक्ट्रीफाई हो गए। 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, 60 वर्षों में 20,000, 10 वर्षों में 40,000, करीब करीब आपके 30,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, यानी जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा। पिछले साल 5,000 किलोमीटर जुड़े थे और इस साल भी, कल की रिपोर्ट में देख रहा था, 5,246 किलोमीटर कल तक रेलवे नेटवर्क में जुड़े, यानी हर साल एक स्विट्जरलैंड के बराबर रेलवे नेटवर्क भारत में जुड़ रहा है। टोटली नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन आई, नमो भारत ट्रेन आई। आज वंदे भारत ट्रेन में हमारी जो मिडिल क्लासेस है और एस्पिरेशनल यूथ है, उनको एक ऐसा अनुभव मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता। नमो भारत ट्रेन अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल है रीजनल ट्रांजिट के लिए। अब वंदे भारत स्लीपर आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमृत भारत ट्रेन आ रही है। तो ये सब जो आपने देखा, इन 10 वर्षों में विकसित भारत बनाने के लिए जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, जो फाउंडेशन बनानी है, नींव बनानी है, वो नींव बनी है। अगले 5 वर्षों में इस नींव को और मजबूत करेंगे। मंत्री जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये नींव 2014 में रखी गई है, इससे पहले फिर क्या हो रहा था? इससे पहले अगर रेलवे की अगर मैं बात करूं, तो रेलवे को एक दूध दोहने वाली गाय के बराबर समझा जाता था। ऐसी कंडीशन थी जिसमें रेलवे मिनिस्टर्स केवल किसी गाड़ी के स्टॉपेज या गाड़ी के एक्सटेंशन या नई गाड़ी के अनाउंसमेंट पे ध्यान देते थे, पटरियों की कैपेसिटी है कि नहीं उसकी कोई चिंता नहीं होती थी। इस तरह से रेलवे का प्रशासन चला रहे थे तत्कालीन तब के रेलवे मंत्री और तब की सरकारें, जिसमें रेलवे फोकस नहीं था, पैसेंजर फोकस नहीं था, केवल अपनी राजनीति फोकस थी। मोदी जी ने डीपॉलिटिसाइज किया रेलवे को, रेलवे को एक टेक्निकल तरीके से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरीके से, नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के तरीके से, उस चीज को मोदी जी ने अपने प्राइमरी फोकस में लेके आए। रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में, जहां मात्र 15,000 करोड़ के आसपास मिलते थे जनरल बजट से भारतीय रेलवे को, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है। काम, फंडिंग बढ़ी, काम बढ़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे, करीब करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्थितियों में आई है कि अब अच्छी एक फाउंडेशन बन गई 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को और स्ट्रांग करेंगे, कई जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आए उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, और उसके बाद में, उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया स्वरूप देखेगी।